Assalamualaikum everyone, welcome to Blogs by Seher Khan. आज मैं आपके साथ जो है ना वो इन तीन जो नोज टिप्स है ना इनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी. इनको मैंने इस्तेमाल कर लिया हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये जो है ना वीडियो बनाऊं. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा. इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का जो रिव्यू भी दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि नोज टिप को हमने अप्लाई कैसे करना है और कैसे व्हाइट हेड्स को और ब्लैक हेड्स को प्रॉपर हम रिमूव कर सकते हैं और इन स्टेप्स से हम कैसे फायदा ले सकते हैं और इन जो स्टेप्स हैं इनको अप्लाई कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है. देखें अगर हम इसे प्रॉपर यूज करेंगे तो हमें से फायदा मिलेगा, ठीक है ना. अगर लगा के बस उतार देंगे तो बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा. चलें जी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. जी जनाब, सबसे पहले जो है ना नोज टिप जो है ये रिवाज की है, ठीक है, नोज पोर क्लींजिंग स्ट्रिप के नाम से है, ठीक है. इंस्टेंटली क्लीन पोर्स करेगी, आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगी और जो आपके नोज पे जो ऑयल है ना उसको भी रिमूव करेगी. अच्छा, इस वाले जो पैकेट में हमें 6 स्टेप्स मिलेंगी, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे आप देखें तो उसकी मैन्युफैक्चर डेट लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, अच्छी खासी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, ठीक है ना. और ये मेड इन UAE है और यहाँ पे उसने यहाँ लिखा है कि ये आपके पोर्स को क्लीन डीपली क्लीन करेगा 10 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है ना, और आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देगा. यहाँ पे उसने सारा यूजेज का तरीका लिखा हुआ है, यहाँ पे सारा उसने डेमो दिया हुआ है, ठीक है ना, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. अच्छा, इसके और यहाँ पे देखें करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ इंग्रेडिएंट्स देखें, कोई भी हार्श केमिकल इसमें शामिल नहीं किया गया हुआ, ठीक है, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं. अब मैं ओपन करके आपको स्टेप्स दिखाती हूँ किसमें से मैंने इस्तेमाल कर ली हुई है और ये स्टेप्स मेरे पास अभी 4 हैं. इस तरह से स्टेप्स हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर जो है ना नोज टिप होगी, ठीक है ना, वो आपने यहां से इसे कट कर लेना है और उसे बाहर निकाल देना है, ठीक है. 2 मैंने इस्तेमाल कर ली हुई है, बाकी जो है ना ये 4 इसमें मौजूद है. अच्छा जी, दूसरी जो ब्रांड है वो ब्रांड रिवाज की थी और दूसरी मैं यहाँ पे बता दूं के ब्रांड्स के नेम मैं साथ लिख रही हूँ, प्राइजेस भी साथ साथ मेंशन कर रही हूँ और जो लिंक है ना ब्रांड्स के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी. अच्छा जी, दूसरी जो सेकंड ब्रांड है वो डर्मा शाइन की ये नोज स्ट्रिप है, ठीक है ना, परफेक्ट फॉर डीप क्लीनिंग ऑफ नोज है. इस पे भी इसने ये लिखा हुआ है, इंस्टेंट डीप क्लीनिंग पोर्स करेगा फौरन, ठीक है ना, और जो इसमें भी 6 स्टेप्स दी गई हुई है और अप्लाई फॉर 10 to 15 मिनट्स में जो है ना वो ब्लैक हेड और व्हाइट हेड को रिमूव कर देगा. यहाँ पे उसने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इसमें भी 6 स्टेप्स हैं और हैं. यहाँ पे उसने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, कि आपने फेस को जो नोज को वेट कर लेना है, फिर उसको अप्लाई निकालना है और उसकी जो ऊपर वाली लेयर है उतार के नोज को ड्राई नोज पे ये लगा लेनी है, उसके बाद पील ऑफ कर देना है. स्टेप उसने यहाँ प्रॉपर सारी जो है ना वो गाइडलाइंस दी हुई है ताकि कोई भी दुश्वारी ना हो. और इसकी एक्सपायरी यहाँ पे 12 मंथ है, उसकी एक्सपायरी जो है ना रिवाज की वो 5 ईयर्स की है, ठीक है, और इसकी जो है ना वो 1 ईयर की एक्सपायरी लिखी हुई है. यहाँ पे इसका सारा वो लिखा हुआ है कि ये जो फार्मूला है ये जर्मनी का है, वो UAE का था, दुबई का. अच्छा जी, जो थर्ड स्टेप है वो भी रिवाज की है, वो चारकोल नोज स्टेप है, ठीक है ना, इंस्टेंट क्लीन जो है ना पोर्स को करेगी, ऑयल भी रिमूव करेगी. तीनों के जो उन्होंने बेनिफिट्स लिखे हुए वो सेम है कि आपको जो है ना वो इंस्टेंटली जो है ना आपका जो पोर्स है ना वो क्लीन होंगे, ठीक है, डीपली क्लीन करेगा, ठीक है, रिमूव करेगा ब्लैक हेड्स को भी, ठीक है ना, और फिर जो नोज के ऊपर जो ऑयल आता है उसको भी रिमूव करेगा. इसके अंदर भी 6 स्टेप्स हैं, ठीक है, उसी तरह की इसकी भी स्टेप्स हैं. यहाँ पे इसमें 1 रह गई हुई है, ठीक है ना, बाकी मैंने इस्तेमाल कर ली हुई है, ठीक है, और यहाँ पे भी सब कुछ दिया हुआ है. इसकी एक्सपायरी भी वही 5 साल की है, यूजेज सारा यहाँ पे सारा क्लियर लिखा हुआ है. अगर आप इन दोनों में से जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है वो आप परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो इसे यूज करने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है ना. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने नोज टिप को अप्लाई कैसे करना है और एंड पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी कि इन तीनों में से मुझे कौन सी मोस्टली अच्छी लगी है, ठीक है. जो सबसे फर्स्ट नंबर पे मेरी फेवरेट है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी, लेकिन आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी. नोज टिप लगाने के ना 2 वे हैं. एक सिंपल वे ये है कि आपने जब भी फेस वॉश किया है, ठीक है ना, आपने अपना जो है नोज है ना वो ड्राई कर लेना है और हल्का सा जो है ना ये रोज वाटर का स्प्रे अपने दूर से, ठीक है ना, अपने नोज पे कर लेना है. दूर से करेंगे तो हल्का सा वो थोड़ा सा लाइट सा वेट हो जाएगा. उसके बाद आपने स्टिप को यहां से ओपन करना है, ठीक है, मैं आप ओपन आप करके आपको एक दिखा देती हूँ. यहां से आपने स्टिप को ओपन करना है, ठीक है,
ओपन करके, यहाँ से मैं उसको प्रॉपर ओपन करती हूँ। यहाँ से ये देखें जी, यहाँ से आपने इसे ओपन कर लेना है। इस तरह से ये निकल आएगी, ठीक है ना। इस तरह शीट लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं। इस तरह से आप इसे रिमूव करेंगे ना, तो ये आपका बाहर वाली साइड पे आपका हिस्सा आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसने तस्वीर बिल्कुल सही दी हुई है, ये देखें। जो ये वाला हिस्सा है ना, वो फ्रंट वाली नोज वाली साइड पे आएगा, देखें, ठीक है। और ये जो कट है ना, वो इस आईज वाली साइड पे जाएगा, ठीक है। आपने इसको यूं करके उतार के यूं लगा लेना है, ठीक है। लाइट सा आपका जो नोज है ना, वो वेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं अप्लाई करके उसके बाद रिजल्ट भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। अच्छा, ये तो एक सिंपल वे है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, नोज पे ये लग गया, अच्छी तरह आपने इसे नोज पे लगा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद 10 मिनट्स जो है ना, आपने घड़ी पे टाइम देख लेना है। उसके बाद उतारने का तरीका जो है ना, वो बहुत ज्यादा ना आपने ध्यान से उतारना है, फिर ही हमें इस नोज पे से फायदा मिलेगा। अदरवाइज यूं उतार लेंगे, यहां से उतार लेंगे या ऊपर से उतार लेंगे, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपने नोज स्ट्रिप उतारनी है यहां से, यहां से, ठीक है ना। ये वाले हिस्से से आपने नोज स्ट्रिप को उतारना है, ठीक है। फिर देखिएगा कि सारे के सारे जो ब्लैक हेड्स है ना, वो इसके साथ होंगे। अच्छा जी, दूसरा जो तरीका है ना, वो ये है कि जो भी आप फेशियल घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं तो FW ऑर्गेनिक का फेशियल यूज करती हूँ अपने फेस पे, तो आपने उसका जो क्लिंजर है ना, फर्स्ट स्टेप जो है ना, वो आपने अपने नोज पे हल्का सा जो है ना, क्लिंजिंग कर लेनी है इससे, ठीक है ना। क्लिंजिंग करके उसके बाद आपने जो है ना, फेस वॉश कर लेना है, ठीक है। फेस वॉश करके, ठीक है, फिर आपने ये नोज वाला जो है ना हिस्सा अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और उसी तरह से रिमूव कर लेना है, और रिमूव करने के बाद जो है ना, उसी फेशियल का जो आपका फेशियल होगा, उसका जो मास्क है ना, ठीक है, वो आपने अपने नोज पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये वाला दूसरा तरीका है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो जस्ट आपने फेस वॉश करना है और ये स्ट्रिप लगानी है, रिमूव करना है, और बस, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है, तो फिर ये है कि आपने पहले नोज को क्लींस करना है, वॉश करना है, और उसके बाद स्ट्रिप यूज करनी है, उसके बाद आपने नोज पे मास्क अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब मैं इसको अप्लाई करने के बाद जो है ना, वो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। जी जनाब, आप देख लें कि ये मैंने इसको लगाने के बाद आपको दिखा रही हूँ, और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है ना, वो इसने रिमूव कर दिए हुए हैं। इसलिए ये मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट जो है ना, वो नोज टिप है। जी जनाब, रिजल्ट आपने देख लिया है, ठीक है ना। और जो है ना, इसका आप प्रॉपर तरीके से आप नोज टिप यूज करेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी, अब मैं आपको अपना जो है ना एक्सपीरियंस, आपने मेरे अप्लाई करने में देख लिया है, ठीक है ना, कि नोज टिप का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं अपनी मोस्ट फेवरेट इसमें से बताती हूँ, तो मेरी मोस्ट फेवरेट जो नोज टिप है ना, वो ये है, ठीक है। इसी को मैं बार बार परचेज भी करती हूँ, ठीक है ना। और नंबर 2 पे जो है ना, वो ये है, और नंबर 3 पे ड्रामा शाइन है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है ना, वो मुझे रिवाज की ये वाली नोज टिप पसंद है, ठीक है। इसके साथ ही आज की वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।